नेपाल में दिवाली को तिहार या स्वंती के रूप में माना जाता है। यह भारत में दीपावली के साथ ही 5 दिन की अवधि तक मनाया जाता है, परंतु परमात्माओं में भारत से विभिन्नता पाई जाती है। पहले दिन काग तिहार पर कौवे को परमात्मा का दूत होने की मान्यता के कारण प्रसाद दिया जाता है। दूसरे दिन कुकुर तिहार पर कुत्तों को अपनी ईमानदारी के लिए भोजन दिया जाता है। काग और कुकुर तिहार के बाद गाय तिहार और गोरु तिहार में गाय और बैल को सजाया जाता है। तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। इस नेपाल सनमत अनुसार यह साल का आखिरी दिन है। इस दिन व्यापारी अपने सारे खाते को साफ कर उन्हें समाप्त कर देते हैं। लक्ष्मी पूजा से पहले मकान साफ किया और सजाया जाता है। लक्ष्मी पूजा के दिन तेल के दियों को दरवाजे और खिड़कियों के पास जलाया जाता है। चौथे दिन को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक जुलूस और अन्य समारोह को भी इसी दिन मनाया जाता है। पांचवें और अंतिम दिन को भाई दूज या भाई टीका के नाम से हम लोग जानते हैं। भाई बहनों से मिलते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते व भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। माथे पर टीका लगाया जाता है। भाई अपनी बहनों को उपहार देता है और बहनें उन्हें भोजन करवाती हैं।